कह रहे थे ना, वो बार बार बोल रहे थे कि आप लोगों ने, आप लोग शहर के क्या टैक्स पेयर्स के पैसे कर रहे हैं जी। तो मैं उसे पूछने गई थी कि दिल्ली में जो केजरीवाल जी का शीश महल बना है जी, उसमें क्या टैक्स पेयर के पैसे नहीं लगे हैं जी। तो उन्होंने प्रधानमंत्री को गाली निकाली, मैं जो शब्द यूज नहीं करती, और गाली निकाली तो मैं बिल्कुल हक्की बक्की रह गई। तो मैंने वापस वही बात केजरीवाल जी की, मैंने कहा प्रधानमंत्री के लिए मत बोलना, केजरीवाल जी के लिए। फिर मैं उधर से आ गया, मैं थोड़ी नाराज हो गई, मैंने कहा कि ये बात बिल्कुल गलत जो तुम कर रहे हो। मैंने कहा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी कि आप देश के प्रधानमंत्री को गंदी गाली निकाल रहे। तो मैं आकर बैठ गई, तो उसने तो कुछ और ही बोल दिया, कुछ अटपटा सा कि मैडम ने मुझे और भी भयंकर गाली निकाल के ये बोला है। तो उससे मैं थोड़ी सी ये हो गई कि क्या बोल रहा है। फिर वो लेडीज भी साथ में जुड़ गई जी। फिर उसके बाद मैं तो शांति से बैठी रही, बिकॉज मैं तो इनके डंगर पाने में पढ़ना नहीं चाहती जी। ये लोग एक बार शुरू हो जाते हैं तो ये बंद नहीं होते। तो देयर वाज अ लिमिट टू दिस नॉनसेंस। शहर को ये प्लांट चाहिए, शहर को इस कूड़े के ढेर से निजात चाहिए। हम इनकी पॉलिटिकल पार्टी की ऊपर नीचे के कारण शहर के, शहर के रहने वाले लोगों को तंग नहीं कर सकते, और इट इज हाई टाइम वी फिनिश्ड इट, यू नो। तो इसीलिए आई एम सो हैप्पी कि इन्होंने गालियां निकाली और इन्होंने बकवास करी और इसके कारण हम लोग पास कर सके। नहीं तो ये लोग तो ना हिल रहे थे, ना बोल रहे थे, कुछ भी कुछ बकवास कर रहे थे, एक लेक्चर दे रहे थे, ये तो पूरा दिन फ्री बैठे हैं। मुझे लगता है जो आकर यहाँ पर इतनी लंबी लंबी बातें कर जा रहे जी, इट इज रिडिकुलस। ठीक है, पहले पहले जो मुद्दे की बातें थी, किसी ने पानी के बिल की बात की, किसी ने सीवर के बिल की, किसी ने घर के जो प्रॉपर्टी टैक्स की, वो सब जायज बातें जी, और होनी भी चाहिए थी। थैंक यू। लेकिन ये बाकी सब तो इट वॉज नाजायज बातें है ना, वो सब नहीं होना चाहिए। सिर्फ शोर मचाने को आते हैं क्या? ठीक है, मैं तो इसलिए आती नहीं हर टाइम। वो कह रहे थे ना, वो बार बार बोल रहे थे कि आप लोगों ने, आप लोग शहर के क्या टैक्स पेयर्स के पैसे कर रहे हैं जी। तो मैं उसे पूछने गई थी कि दिल्ली में जो केजरीवाल जी का शीश महल बना है जी, उसमें क्या टैक्स पेयर के पैसे नहीं लगे हैं जी। तो उन्होंने प्रधानमंत्री को गाली निकाली, मैं जो शब्द यूज नहीं करती, और गाली निकाली तो मैं बिल्कुल हक्की बक्की रह गई। तो मैंने वापस वही बात केजरीवाल जी की, मैंने कहा प्रधानमंत्री के लिए मत बोलना, केजरीवाल जी के लिए। फिर मैं उधर से आ गया, मैं थोड़ी नाराज हो गई, मैंने कहा कि ये बात बिल्कुल गलत जो तुम कर रहे हो। मैंने कहा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी कि आप देश के प्रधानमंत्री को गंदी गाली निकाल रहे। तो मैं आकर बैठ गई, तो उसने तो कुछ और ही बोल दिया, कुछ अटपटा सा कि मैडम ने मुझे और भी भयंकर गाली निकाल के ये बोला है। तो उससे मैं थोड़ी सी ये हो गई कि क्या बोल रहा है। फिर वो लेडीज भी साथ में जुड़ गई जी। फिर उसके बाद मैं तो शांति से बैठी रही, बिकॉज मैं तो इनके डंगर पाने में पढ़ना नहीं चाहती जी। ये लोग एक बार शुरू हो जाते हैं तो ये बंद नहीं होते। तो देयर वाज अ लिमिट टू दिस नॉनसेंस। शहर को ये प्लांट चाहिए, शहर को इस कूड़े के ढेर से निजात चाहिए। हम इनकी पॉलिटिकल पार्टी की ऊपर नीचे के कारण शहर के, शहर के रहने वाले लोगों को तंग नहीं कर सकते, और इट इज हाई टाइम वी फिनिश्ड इट, यू नो। तो इसीलिए आई एम सो हैप्पी कि इन्होंने गालियां निकाली और इन्होंने बकवास करी और इसके कारण हम लोग पास कर सके। नहीं तो ये लोग तो ना हिल रहे थे, ना बोल रहे थे, कुछ भी कुछ बकवास कर रहे थे, एक लेक्चर दे रहे थे, ये तो पूरा दिन फ्री बैठे हैं। मुझे लगता है जो आकर यहाँ पर इतनी लंबी लंबी बातें कर जा रहे जी, इट इज रिडिकुलस। ठीक है, पहले पहले जो मुद्दे की बातें थी, किसी ने पानी के बिल की बात की, किसी ने सीवर के बिल की, किसी ने घर के जो प्रॉपर्टी टैक्स की, वो सब जायज बातें जी, और होनी भी चाहिए थी। थैंक यू। लेकिन ये बाकी सब तो इट वॉज नाजायज बातें है ना, वो सब नहीं होना चाहिए। सिर्फ शोर मचाने को आते हैं क्या? ठीक है, मैं तो इसलिए आती नहीं हर टाइम।